तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे कि धातुओं का घरेलू और औद्योगिक यूज क्या क्या है, धातुओं में क्षरण किस तरीके से होता है, उसमें जंग क्यों लगते हैं और उससे बचाव करने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि धातुओं के घरेलू और औद्योगिक उपयोग, औद्योगिक उपयोग, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि घर में एक छोटे से चम्मच से लेकर खाना बनाने वाले बर्तन, फावड़ा, खुरपी, हल, जितनी भी चीजें होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? धातु की बनी होती है। आभूषण जो पहनते हो ये भी किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। फैक्ट्रियों में, उद्योगों में देखा होगा जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं या फिर जो वाहन हो गए, जितनी भी चीजें होती हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज, जलयान, ट्रेन, ये सारी चीजें किसकी बनी है? धातुओं की बनी है। तो कहने का मतलब यह है कि धातुओं का घरेलू और औद्योगिक दोनों जगह पर बहुत उपयोग है। अब बात करते हैं कोरिजन या फिर क्षरण की। तो धातुओं में जो कोरिजन होता है, धातुओं में क्षरण, क्या चीज, या कोरिजन। अब ये कोरिजन क्या करता है भाई? ये नुकसान करता है। क्या करता है? ये धातु को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और नष्ट होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं जंग लगना या फिर रस्टिंग। क्या चीज? रस्टिंग। तीसरे नंबर पे आ गई रस्टिंग या जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। होता क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसको रस्टिंग, कैसे होता है समझो। मैंने पहले ही बताया कि धातु जो होती है वो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है? ऑक्साइड। अब किसी भी धातु के ऊपर जो एक परत चढ़ जाती है लाल भूरे रंग की, जब उसको किसी खुले में नमी स्थान पर रख दिया जाता है तो उस पे एक लाल भूरे रंग की, या एल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा, तो हरे भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। वो जो परत होती है वो जंग कहलाती है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं या मूर्छा कहते हैं। ये जंग क्या करता है, ये रस्ट क्या करता है, ये धातु को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? आप लोहे की एक कोई भी कील लो, उसको आप खुले में छोड़ दो, कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाएगा और उस जंग को जब आप हटाओगे, उस परत को हटाओगे, तो लोहा आपका पतला हो चुका होगा। कुछ समय तक और छोड़ दोगे तो पूरा का पूरा लोहा गायब हो जाएगा। सारा का सारा लोहा जो है वो किस में बदल जाता है? आयरन ऑक्साइड में, लौह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो कोरिजन क्या हो गया, क्षरण क्या हो गया? जंग लगने के बाद लोहे का या धातु का नष्ट होना। क्या होना? नष्ट होना, वो है कोरिजन या फिर क्षरण। और जो ये प्रक्रिया पूरी हो रही है इसको कहते हैं जंग लगना या फिर रस्टिंग। अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। तो जंग लगने से बचाओ, जंग लगने से बचाओ, क्या क्या बचाव कर सकते हैं कि उसमें जंग ना लगे। तो रस्टिंग से बचाने के लिए सबसे पहला चीज जो हम लोग उसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, पहली चीज हो गई पेंटिंग। क्या करना? देखा होगा आपने घर के खिड़की दरवाजे, जो भी लोहे की चीज होती है उसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? प्राइमर लगाया, उसके बाद उस पर पेंटिंग कर देते हैं। प्राइमर लगाने से पेंट अच्छे से चिपक जाता है, क्योंकि जो लोहा होता है वो थोड़ा चिकना होता है, उससे पेंट जल्दी रुकता
नहीं है। तो सबसे पहली चीज है क्या कर देना, पेंटिंग कर देना। क्या कर देना, पेंटिंग। अगर हम जंग से बचाना चाहते हैं, रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, सबसे पहला काम क्या कर दो, उस पर पेंटिंग कर दो। क्या कर दो, पेंट का लेप लगा दो, ठीक है। दूसरा चीज क्या कर सकते हो, उसके ऊपर ग्रीस लगा दो या फिर तेल लगा दो, है ना। तो दूसरी चीज क्या हो गई, ग्रीस या तेल लगा दो, तब भी जो है उसमें जंग नहीं लगेगा। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, उसका गैल्वनाइजेशन कर दो। क्या कर दो, गैल्वनाइजेशन। क्या होता है गैल्वनाइजेशन, अभी बता रहे हैं। तो गैल्वनीकरण कर दो। देखो पेंट तो आप जानते हो, मार्केट से लिया, उसके ऊपर हमने पेंट कर दिया। पेंट करने से क्या होता है, लोहे के ऊपर या फिर धातु के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, और उस परत की वजह से जो वातावरण की जो नमी है उसके संपर्क में लोहा नहीं आ पाता है, तो वो ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर पाता और जंग नहीं लगती। अगर आप तेल और ग्रीस लगा दे तो तब भी यही चीज हो गया, उसके ऊपर ग्रीस और तेल लगा है तो लोहा जो है वो नमी के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता और पानी के संपर्क में भी नहीं आ पाता, है ना। तेल और ग्रीस पर पानी कहाँ टिकता है, पेंट पर भी पानी कहाँ टिकता है, तो इससे क्या होता है, वो अपना ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर पाता है, ऑक्साइड नहीं बना पाता है, और जब ऑक्साइड नहीं बना पाएगा तो जंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि जंग खुद क्या होता है, वो लौह ऑक्साइड होगा या एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, वही तो जंग होता है, है ना। अब तीसरी चीज है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण में क्या करते हैं, आप जिंक लो और जिंक को पिघला डालो, क्या करो, और पिघलाने के बाद उसमें लोहे को डुबो दो, लोहे को क्या कर दो, और डुबो करके निकाल लो। अब क्या होगा, जिंक की एक पतली सी परत उस पूरे लोहे पर चढ़ जाएगी। अब जब जिंक की जो है परत उस पर चढ़ गई है तो फिर वही काम जो इन दोनों में हो रहा था, लोहा जो है वो नमी के या वातावरण की नमी के संपर्क में नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो फिर ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर पाएगा और जंग नहीं लगेगी। तो गैल्वनीकरण में क्या किया जाता है, पिघले हुए किसमें, जिंक में, क्योंकि जिंक जो होता है वो अभिक्रिया नहीं करता है नमी के साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में है तो मेटल ही, लेकिन ये नहीं करता है। तो जिंक के पिघला हुआ जिंक, उसको पहले पिघला लो, उसके पिघलाने के बाद क्या करो, तो पिघले हुए जिंक में लोहे को डुबोने से जिंक की परत चढ़ जाती है। यही प्रक्रिया जो है वो गैल्वनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, गैल्वनीकरण। पिघले हुआ जिंक होगा, उसमें लोहे को क्या करेंगे, डुबो लेंगे, डुबोने के बाद उसको निकाल लेंगे, तो एक परत उस पर चढ़ जाएगी, इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण। और गैल्वनीकरण करने से भी उसमें रस्टिंग नहीं होती है। और गैल्वनीकरण के बाद आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या चीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग शब्द से ही पता लग रहा होगा कि उस पर भी एक परत चढ़ाई जाएगी, और किसकी परत चढ़ाई जाती है अभी हम बताते हैं आपको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और पांचवा है एलॉय बना देना। क्या बना देना, एलॉय। ये क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और क्या है एलॉय, इसको हम लोग जान लेते हैं। एलॉय भी बिल्कुल गैल्वनीकरण की तरीके से ही होता है। इसमें भी क्या किया जाता है, कुछ धातुएं हैं जैसे निकिल है, टिन है, ये क्रोमियम है। निकिल, टिन और क्रोमियम, ये धातुएं ऐसी होती हैं जो वातावरण में उपस्थित नमी के साथ अभिक्रिया नहीं करती,
अब क्या करे जाएगा, क्रोमियम की, निकिल की, टिन की एक परत उस पर क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, और जब परत उस पर चढ़ गई तो वो क्या होगा, नमी के संपर्क में नहीं आएगा, और जब नमी के संपर्क में नहीं आएगा तो उसमें विरस्टिंग नहीं होगी। तो कौन कौन सी चीज, क्रोमियम और निकिल और तीसरा क्या है, टिन, टिन नहीं टिन, इसकी परत चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, एलॉय में क्या होता है, ये बिल्कुल अलग सा है भाई, ये बिल्कुल अलग सा है, इसमें किसी एक धातु का दूसरे धातु या फिर अधातु के साथ मिश्रण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मिश्रण। जैसे स्टील आपका एक एलॉय है, पीतल क्या है, एलॉय है, ब्रास क्या है, एलॉय है। तो जब एलॉय बन जाता है तो एलॉय में भी जंग नहीं लगता है। क्या किया जाता है एलॉय बनाने में, एक धातु का दूसरे धातु या फिर अधातु के साथ मिश्रण कर दिया जाता है, एक धातु को दूसरे धातु या अधातु के साथ क्या कर दिया जाता है, के साथ मिश्रित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। यही जो मिश्रित करने की प्रक्रिया होती है इसी को कहते हैं एलॉय बनाना। क्या बनाना, एलॉय बनाना। जैसे स्टील हो गया, क्या चीज, स्टील, स्टील भी एलॉय है, क्या है, एलॉय। और पीतल, पीतल भी क्या है, एलॉय है। ब्रास क्या है, एलॉय है। देखो ये सब करने से होता क्या है, और भी एक फायदा होता है, एलॉय जो होता है, पहली चीज तो जो मूल धातु होती है उससे वो और ज्यादा कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कठोर। जैसे आपने स्टील को देखा होगा और लोहे को देखा होगा, दोनों में कौन ज्यादा कठोर होता है, स्टील ज्यादा कठोर होता है। लोहे की रॉड को आप मोड़ सकते हो, वो थोड़ा मुलायम रहेगी, लेकिन सरिया आप मोड़ सकते हो, स्टील की रॉड ले लो, मुड़ेगी नहीं, वो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो पहली चीज तो उसके अंदर कठोरता आ जाती है, क्या आ जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि उस पर जंग नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। और एक फायदा और होता है, अगर उस पर धार वार बना दी गई है तो वो धार वार भी उसकी टूटती नहीं है, लंबे समय तक चलती रहती है। ठीक है, तो एलॉय बनाने से दो तीन फायदे एक साथ हो जाते हैं। अब बनते कैसे, जैसे स्टील बनाना है आपको तो क्या करो, आयरन ले लो और आयरन के साथ में जिंक ले लो, टिन ले लो, है ना, या फिर आयरन और कार्बन को भी साथ में ले लोगे तब भी बन जाएगा स्टील, कार्बन स्टील बनेगी। कौन सी स्टील बनेगी, कार्बन स्टील। वो कलर में ब्लैकिश रहेगी लेकिन रहेगी बहुत हार्ड, जैसे जो चाकू बनते हैं बहुत सारे हमने देखे हैं वो कार्बन स्टील के बनते हैं, जो ब्लेड्स बनती हैं थ्रेसर में उनमें सब में वो कार्बन स्टील के बना देते हैं। जैसे पीतल हो गया, अब इसमें क्या क्या मिला लेंगे, तांबा मिला लेंगे, और तांबे के साथ किसको मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, टिन को मिला देंगे, किसको मिला देंगे, टिन को, क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। इसी तरीके से तांबे के साथ में और अन्य धातुओं को मिला देंगे तो ब्रास बन जाएगा। और जो एलॉय होता है वो पहले वाली धातु से ज्यादा कठोर हो जाता है और उसमें जंग भी नहीं लगती। एक और सुना होगा जिसका नाम है कास्ट आयरन, इंजनों में लगा होता है, गाड़ी के इंजन में देखोगे कुछ पार्ट्स होते हैं जो कास्ट आयरन के होते हैं ना, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, कठोर रहते हैं लेकिन जल्दी गर्म नहीं होते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते। जहां पर इंजन का गर्म पार्ट होता है और फिर गर्म के बाद पता लगा उस जगह पैर आपका रखना है तो वहां पर एक कास्ट आयरन का जो है पार्ट लगाया गया होता है ताकि हीट आपके पैरों तक ना आए।
ये कास्ट आयरन जो होता है इसको विज्ञान में पिग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग आयरन। ये बनता कैसे है? इसमें कुछ नहीं, जो पिग आयरन होगा, क्या चीज, इंग्लिश में लिख दे क्या, पिग आयरन। जो पिग आयरन होगा इसमें 93% तो लोहा होगा। क्या होगा? लोहा होगा। और इसमें जो बचा हुआ है 4-5% वो कार्बन रहेगा। क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। अभी भी देखो, मान लीजिए 2-3% कुछ और बचा है ना, वो जो 2-3% रहता है, 2-3% में उसमें सल्फर हो सकता है, क्या चीज, और फास्फोरस हो सकता है। क्या हो सकता है? फास्फोरस और सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब एसआई लिख दे रहा हूं, सिलिकॉन समझ लेना। तो इसे बोलते हैं पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है? 93% उसमें लोहा हो, 4-5% कार्बन हो, और 2-3% में सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, और सिलिकॉन भी हो सकता है। तो इनसे मिक्सचर से जो बनता है, ये भी एक तरीके का एलॉय ही हो गया। पिग आयरन भी क्या हो गया? एलॉय हो गया। और इसकी खासियत क्या होती है? मैंने बता दिया कि ये हार्ड होता है और हीट इसमें जो है ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इसीलिए जो गर्म पार्ट्स होते हैं इंजन के उसके बाहर कवरिंग करने के लिए लगाया जाता है।